गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं इफ इल्स स्टेटमेंट, यदि या तो स्टेटमेंट। यदि या तो स्टेटमेंट जो होता है, जैसी हमको कंडीशन होती है या तो ई करेंगे या तो इसे कर लेंगे, उसी के लिए प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, या तो इस स्टेटमेंट को रन कराएं या तो इसको कराएं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, दो ब्लॉक्स के स्टेटमेंट होते हैं। जैसे देखिए इफ का कंडीशन हो गया, फिर यहाँ देखिए स्टेटमेंट वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से हमने क्या किया, ओपन किया, फिर स्टेटमेंट को लिख के क्लोज किया, फिर एल्स वाला स्टेटमेंट है, फिर इसको भी ओपन किया, फिर इसको भी क्लोज कर दिया। तो ये दो टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसमें स्टेटमेंट्स के दो ब्लॉक होते हैं, दो ब्लॉक हो गया। देखिए एक इफ वाला कंडीशन हो गया, एक को इल्स वाला कंडीशन हो गया। एक स्टेटमेंट यदि ब्लॉक में होता है, एक स्टेटमेंट ब्लॉक में होता है और दूसरा स्टेटमेंट इल्स ब्लॉक में होता है। एक स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में होता है, देखिए एक स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में हो गया, दूसरा किस में है, इल्स स्टेटमेंट में हो गया, दूसरा इस स्टेटमेंट में हो, यहाँ पे है ना दूसरे ब्लॉक में। यदि इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू होता है, यदि इफ कंडीशन जो है इस सत्य होती है, इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एक्सिक्यूट कर जाएगा यानी रन कर जाएगा। अन्यथा अगर ये फेल होता है तो इल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, ये फेल हो गया तो ये इसको रन कर देगा। यही है इफ इल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट का देखिए, सिंटैक्स जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है कि इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप लिखोगे कि इफ इल्स स्टेटमेंट जो होता है टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। इसमें स्टेटमेंट्स के दो ब्लॉक होते हैं, एक स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में होता है, देखिए इफ ब्लॉक में हो गया, और दूसरा इल्स ब्लॉक में स्टेटमेंट होता है। यदि इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू होता है तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, रन होगा, अन्यथा अदरवाइज अगर फेल होता है तो इल्स वाले को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यही इफ इल्स स्टेटमेंट है। तो आप इतनी थ्योरी लिखेंगे, फिर सेंटेक्स लिखेंगे, किसी का सेंटेक्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेंटेक्स आप इफ इल्स स्टेटमेंट आप लिख देंगे, तो इफ लिख के कंडीशन लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर इल्स लिखेंगे, स्टेप से स्टेटमेंट आप देंगे। तो सिर्फ आपका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए, तो यही पूछता है कि इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो थ्योरी लिखेंगे, सिंटैक्स लिखेंगे, यदि विथ एग्जांपल दे देगा तो 5 नंबर में देगा। तो एग्जांपल भी हम आपको दिखा देंगे इसका। देखिए फ्लो चार्ट, अगर इसका फ्लो चार्ट बनाए इफ इल्स कंडीशन का, तो कंडीशन देखिए हमारे यहाँ पे है, तो कंडीशन हमारा है तो प्रोग्राम यहाँ पे रन करना स्टार्ट होगा। जब यहाँ प्रोग्राम चालू स्टार्ट हुआ तो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को क्या करेगा, अगर ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट हमारा रन हो जाएगा इफ वाला, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा इफ वाला। यदि फॉल्स हुआ तो एल्स वाला क्या होगा, रन कर जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यही है आपका फ्लो चार्ट फॉर इफ स्टेटमेंट का। उदाहरण समझा देते हैं आपको। देखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, प्री प्रोसेसर हमने लगा दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के, यहाँ पे मेन फंक्शन कर दिया, फिर ब्रैकेट लगाए, फिर इसमें इंट जो है इंटीजर टाइप का हमने डाटा वेरिएबल डिफाइन कर दिया, m इज इक्वल टू 98। इंट जो है m जो है इंटीजर टाइप का, वो क्या है आपका डाटा इंटीजर है, वैल्यू दे दिए 98। कंडीशन देखिए लगा दिए, पहली कंडीशन क्या लगाए हैं कि m क्या है, m जो है वो छोटा है किससे, यम जो है वो बड़ा है किससे, 96 से।
कंडीशन यहाँ दे दी है कि यम क्या है वो छोटा है 96 से, तो प्रिंट क्या करेगा, यम इज द लेस देन 96, या तो प्रिंट क्या करेगा, एम इज नॉट लेस देन इतना, तो प्रिंट करेगी वैल्यू एम को। तो एम इज नॉट लेस देन 96, एम जो है एम की वैल्यू 98 जो है वो क्या है, लेस नहीं है किससे, इससे, तब वैल्यू एम इज 98। तो पहले क्या करेगा, तब वैल्यू एम इज 98। इस प्रोग्राम में कंडीशन जो है चेक हो रहा है, एम देखिए चेक हो रहा है, कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि एम की वैल्यू 98 है, 98 बड़ा है 96 से, कंडीशन फाल हो गई रही है क्योंकि एम का वैल्यू 98 है, इसीलिए इस बॉडी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कंडीशन फेल हो गई है। ये देख लीजिए इफ वाले को, देखिए एम की वैल्यू कितना है 98, ये 96 है तो 98 इससे बड़ा है तो कंडीशन फेल हो गई, तो इस वाले स्टेटमेंट को क्या किया, रन कर दिया। एम की वैल्यू देखिए ये कम है तो लिखा है ना कि द वैल्यू ऑफ द एम इज प्रतिशत, तो इसके वैल्यू को क्या किया, प्रिंट कर दिया। यही है एक्सेल स्टेटमेंट।